एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में मसूर दाल की क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ये क्रीम बहुत ही असरदार है और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है और इसको लगाने से आपकी स्किन लाइटन, वाइटन और ब्राइटन होगी और आपके चेहरे पर से सारे दाग धब्बे और निशान भी हट जाएंगे और आपके सन टैन और डार्क स्पॉट्स को भी ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। और इस मसूर दाल की क्रीम को बनाना भी बहुत आसान है। आपको सबसे पहले इस क्रीम को बनाने के लिए मसूर दाल चाहिए। तो सबसे पहले आप एक कटोरी में 2 से 3 बड़े चम्मच लाल मसूर दाल ले लीजिए। उसके बाद आप इस दाल में गुलाब जल यानी कि रोज वाटर डालिए और इसको रात भर भिगोकर छोड़ दीजिए। और रात भर भिगोने के बाद आपकी लाल मसूर दाल कुछ इस तरह दिखेगी। ये सॉफ्ट और काफी फूल चुकी होगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। और अब हमें इस भीगी हुई लाल मसूर दाल को अच्छे से पीसना है और यहाँ पर मैं एक ब्लेंडिंग जार का यूज कर रही हूँ इस दाल को पीसने के लिए। आप उस ब्लेंडिंग जार में भीगी हुई मसूर दाल और उसके साथ साथ जिसमें ये दाल भीगी हुई थी वो पानी भी डालकर अच्छे से दोनों को पीस लीजिए और एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। और जब ये दाल अच्छे से पिस जाए तो ये आपका मसूर दाल पेस्ट रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। और ये पेस्ट रनी कंसिस्टेंसी यानी कि पतला होना चाहिए काफ़ी, ताकि इसे छानने में आसानी हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आपको इस पेस्ट को अच्छे से छानना है और यहाँ पर मैं एक छन्नी का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप कोई कॉटन या मलमल का कपड़ा ले सकते हैं इस पेस्ट को छानने के लिए। और इस पेस्ट को अच्छे से छानने के बाद तो चलिए अब देखते हैं कि रेड लेंटिल या लाल मसूर की दाल की क्रीम कैसे बनाई जाए। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में ये छना हुआ लाल मसूर दाल का पेस्ट 3 से 4 चम्मच ले लीजिए। उसके बाद उसके अंदर आप 2 बड़ी चम्मच ग्लिसरीन डालिए। ग्लिसरीन के बाद आपको इसके अंदर 1.5 चम्मच व्हाइटनिंग ऑयल डालना है। और अगर आपके पास व्हाइटनिंग ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और अब व्हाइटनिंग ऑयल डालने के बाद अब आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक दूसरे के अंदर अच्छे से कंबाइन हो जाएं। और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको लास्ट में 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डालना है और फिर से सबको अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक बहुत ही स्मूथ, क्रीमी और लम फ्री पेस्ट बन सके। और सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद आपकी लाल मसूर दाल की क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी। और ये क्रीम बहुत ज़्यादा क्रीमी, फ्लफी और लम फ्री होनी चाहिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। और इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा रनी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे स्टोर करना है। और इस क्रीम को स्टोर करना भी बहुत ही आसान है। आप इस क्रीम को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पर 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और ये लाल मसूर दाल की क्रीम 100% नेचुरल और 100% इफेक्टिव है आपकी स्किन को लाइटन और वाइटन करने के लिए। इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को लाइटन, वाइटन और ब्राइटन करते हैं और आपकी स्किन टोन को डल और ड्राई होने से बचाते हैं। ये क्रीम आपके डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन कॉम्प्लेक्शन को जड़ से खत्म कर देती है और आपके सन टैन, सनबर्न, ब्लैक स्पॉट्स और ड्राई और फ्लेकी स्किन को भी हटाती है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग, रेडिएंट, स्पॉटलेस और क्रिस्टल क्लियर बनाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को यूज़ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इस क्रीम को एक छोटी सी अमाउंट लेकर अपने फेस और नेक पर अप्लाई कीजिए और इसको जेंटली 10 से 20 सेकेंड के लिए अपनी स्किन पर अच्छे से मसाज कीजिए। और अच्छे से मसाज करने के बाद आप इस क्रीम को ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप ऐसे ही लगातार इस क्रीम को दिन में 2 बार, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग और लाइटर और वाइटर बना देगी और आपकी स्किन को एक बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और रेडियंट लुक देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए।